स्मिता पारिक जो कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने 7 जुलाई को रिया से बात की थी और रिया से इस बात का जिक्र किया था कि इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिसके बाद रिया का क्या कहना था, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो को आपको बताऊंगी। स्मिता पारिक ने रिवील किया कि उनकी 7 जुलाई को जो है रिया से बातचीत हुई थी और रिया को उसने फ़ोन किया था, जिसमें उसने कहा कि मैंने बात की कि इसमें ना सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो रिया ने कहा, मुझे लगता है हाउ कैन सुशांत डू दिस, मुझे क्यों नहीं ले गया अपने साथ, ही हैड प्रॉमिस मी दैट ही विल नेवर कमिट सुसाइड, सुशांत वॉज टेरिफाइड ऑफ सुसाइड, ही यूज टू से दैट इट इज़ एन एक्ट एग्जीक्यूटेड बाय करेजियस पीपल एंड ही डजेंट हैव द करेज टू डू सो। तो इस तरह का उन्होंने कहा कि मैंने बात की। और वो आगे कहती हैं, ऑन जुलाई 16 व्हेन रिया डिमांडेड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हरसेल्फ एंड पोस्टेड अ लॉन्ग पोस्ट एड्रेसिंग द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर अमित शाह। और उनका ये कहना है कि जब मेरी बात हुई थी कि चलो इसमें सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए बात करते हैं, तो उसने मुझे बोला कि नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, ये तो सिर्फ एक सादा सुसाइड केस ही है और मुझे लगता है कि सुशांत ने सुसाइड किया है। तो ये 7 जुलाई की बात है जब स्मिता ने रिया को फ़ोन किया और कहा कि इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो रिया ने बोला कि नहीं, मुझे लगता है कि ये सुसाइड का केस है। लेकिन 16 जुलाई को रिया ने खुद डिमांड किया सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। तो स्मिता कहती हैं कि मैंने रिया को एक मैसेज भेजा दैट वो खुश हैं कि एटलीस्ट उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बात की। उन्होंने कहा, मैंने उसको लिख के भेजा दैट आई एम ग्लैड दैट यू फाइनली आस्क फॉर अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एंड शी कॉल बैक इमिजिएटली एंड टोल्ड मी दैट शी कांट डाइजेस्ट व्हाट इज गोइंग ऑन। शी सेड आई बिलीव इट इज अबेटमेंट टू सुसाइड, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव पुश्ड हिम इन टेकिंग दिस ड्रास्टिक स्टेप। और रिया ने नाम लिया एक जर्नलिस्ट का और उसने मुझे और उस जर्नलिस्ट के ब्लाइंड आइटम्स का उसने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया स्मिता के साथ। और वो आगे कहती हैं, आई विल नॉट फॉरगिव देम एंड रिवील द नेम्स, सुशांत वॉज केयर ऑफ फ्यू पीपल, शी वॉज थ्रेटनिंग हिम एंड वॉज द पर्सन बिहाइंड दोज ब्लाइंड आर्टिकल्स। उन्होंने कहा कि जो ब्लाइंड आर्टिकल्स थे उसी की वजह से सुशांत ने अपनी जान दे दी है और मैं जो है उन सबको नहीं छोड़ूंगी। और उन्होंने जो है 2-3 लोगों के नाम भी बताए, उन जर्नलिस्ट के, पीआर के, जो रिया को लगता है कि उन्होंने ये काम किया होगा। तो रिया ने इस तरह से जो है पहले जब स्मिता ने बात की तो इस बात की आपत्ति जताई कि नहीं, इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ एक सुसाइड केस है, जब 7 जुलाई को उनकी बात हुई। और खुद 16 जुलाई को उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद जब बात की, तब स्मिता का कहना है कि जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उससे कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे लगता है कि किसी ने उसे उकसाया है सुसाइड करने के लिए और मैं उन लोगों को जानती हूँ और मैं उनके नाम जो है मुंबई पुलिस को दूंगी। तो इस तरह के जो है स्मिता ने खुलासा किया कि रिया जो है जब 7 जुलाई को बात हुई थी तो ये बात उसने खुद कही थी कि नहीं, मुझे ये सुसाइड ही लगता है। इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का नाम सुन के जो है वो थोड़ा चौंक गई कि नहीं, मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ सुसाइड ही है।